आज नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मुजफ्फरपुर इकाई के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। देखिए, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये तीन ऐसे स्तंभ हैं जो कि भारत में लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। हम सारे पत्रकार, तो पत्रकारों की सबलता पर, उनकी मजबूती को और बढ़ाने के लिए, एकता को बढ़ाने के लिए हमने ये बैठक की है। और इसके बाद हम लोग कार्यशाला का भी आयोजन करेंगे, जिसमें अच्छी पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता और निष्पक्ष पत्रकारिता पर बात होगी। और उसमें कार्यशाला में इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर नए पत्रकार जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, सोशल मीडिया जो कि आज एक बहुत ही क्रांतिकारी रूप से भारत में आगे बढ़ रहा है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं और उसको एक सबलता मिले, मजबूती मिले और एक साथ मिलकर वो भी चौथे स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आए, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। ये बैठक उसी के लिए आज की गई थी और इसके बाद कार्यशाला भी होगा। इसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी संजीव कुमार जी, महासचिव संतोष तिवारी जी, अभिषेक आनंद जी जो कि सचिव हैं, और सारे हमारे जितने भी सदस्य और संगठन को और मजबूत करने के लिए इसमें जुड़े, और आगे भी जितने भी नए पत्रकार हैं वो भी हमारे संगठन से जुड़ सकते हैं और अच्छी पत्रकारिता करने के लिए, कि समाज को एक अच्छा दिशा निर्देश मिल सके। मुकेश चौरसिया, जिला अध्यक्ष NUJ मुजफ्फरपुर इकाई। आज मुजफ्फरपुर NUJI बिहार जिला इकाई की एक मासिक बैठक हुई है। इस बैठक में हमारे जो पत्रकार बंधु, जो साथी हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आकर अपनी अपनी समस्या को बताए हैं। यहाँ पर लोग बताए हैं कि उनको क्या समस्या हो रही है पत्रकारिता को करते हुए, किस तरह से उन्हें दिक्कत हो, इस पर चर्चा हुई है। और हमारे जितने भी वरीय जो भी पत्रकार हैं, जो भी संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उन सभी लोगों ने इसका निदान का भी रास्ता बताया है। साथ ही साथ इस सबको बेहतर और तरीके से बताने के लिए कार्यशाला का आयोजन को लेकर भी रूपरेखा तैयार हो रही है। इसमें प्रशासनिक स्तर से लोगों की भी मदद ली जाएगी और साथ ही साथ जो हमारे जो वरीय जो भी लोग हैं, जो हमारे सीनियर लोग इससे जुड़े हैं, उन लोगों के माध्यम से भी नए लोगों को एजुकेट किया जाएगा। खासकर सोशल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार जितने भी हैं, उनको हम लोग ज़्यादा जोड़कर और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, अभी जो स्वरूप, जो मीडिया का स्वरूप आया है, इसमें सभी लोग एक बराबर लगभग होते जा रहे हैं। प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, साथ में सोशल मीडिया है, तो हम लोग सभी से कैसे सामंजस्य स्थापित हो सके, इसको लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं। कहीं कहीं पर दिक्कत भी सामने नज़र आ रही है कि हाँ, अगर कभी गए हैं तो कुछ लोगों के द्वारा समस्या हुई है, उसका कैसे निदान निकले, किस तरह हम लोग उस पर कैसे सामंजस्य स्थापित कर सके, जो बड़े लोग हैं उनको कैसे हम रिस्पेक्ट दे सके, इस पर भी चर्चा हुई है। और ये बड़ी खुली चर्चा आज हुई है, सभी लोगों ने जवाब दिया है और लोग समझने का प्रयास किया है। और हम आशा रखते हैं कि आगे आने वाले समय में जो हमारी जो बैठक हो रही है, लगातार जो होती रहेगी, तो इससे हमारे मुजफ्फरपुर इकाई में जितने भी लोग जुड़े हैं और साथ में जितने भी लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक होंगे, लोग बेहतर समाज को सहयोग कर पाएंगे, खासकर पत्रकार के रूप में। इसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और सभी लोग हमारे अध्यक्ष जी हैं मुकेश चौरसिया जी, और साथ में हमारे महासचिव है ये संतोष तिवारी जी, और प्रदेश से आए हुए हमारे वरीय बंधु ये संजीव जी, ये और इस तरह से सभी लोग अपने अपने स्तर से लोग जानकारी दे रहे हैं। और हम आशा रखते हैं आप लोगों को भी बेहतर जानकारी सब लोगों को मिल जाएगी। एक बात और है कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं NUJI जो बिहार मुजफ्फरपुर इकाई से जुड़ना चाहते हैं और पत्रकारिता से अगर आपका संबंध है, तो अभी अभी ये मौका है कि आप लोग जुड़ सकते हैं। इसको लेकर हमारे यहाँ जो जो संगठन से लोग जुड़े हैं, उन लोगों को संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद आपका ID कार्ड और जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के बाद आप उससे विधिवत जुड़ सकते हैं, और फिर आपकी बात भी वहाँ पर आएगी और हम लोग मिलकर बेहतर काम करेंगे। यही आज का हम लोगों का मूल उद्देश्य रहा इस बैठक को लेकर। सभी लोगों का धन्यवाद। सच का आईना।